हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क और IBPS PO और SBI PO का जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज़ किया जा सकता है, या फिर ये जो आपके नोटिफिकेशन है ये NRA CET के बाद आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बैंकिंग बोर्ड की पल पल अपडेट के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि SBI क्लर्क का रिजल्ट जो है आपका आ चुका है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, वैसे तो चेक कर लिया होगा, आप मेंस के लिए अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम बात करते हैं इसमें IBPS क्लर्क, IBPS PO और SBI PO के बारे में। देखिए, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि IBPS क्लर्क का या IBPS PO का या SBI PO का जो आपका नोटिफिकेशन है वो इस डेट को आएगा। अभी तक आपका कोई भी नोटिस रिलीज़ नहीं किया गया है, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपका जो नोटिफिकेशन है उस दिन जारी होगा। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो अक्टूबर में आपका जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था, तो इस बार भी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में आपका रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन अगर अक्टूबर में आपका रिलीज़ नहीं हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि NRA CET के बाद ही, यानी कि NRA CET होगा पहले, उसके बाद आपको SBPS PO और क्लर्क और SBI PO की जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं NRA CET, ये कब तक आ सकता है। तो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर एक SMS का स्क्रीनशॉट था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो NRA CET है वो आपका जनवरी 2022 से जो है वो लागू हो जाएगा। लागू हो जाने का मतलब यह है कि फॉर्म फिल होने आपके नवंबर या दिसंबर से आपके स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर जनवरी से ही आपको आपका फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हुआ तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के लास्ट तक या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका जो है वो NRA CET होगा। उसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी और उस वैकेंसी के अंदर CET लागू होगा। अगर किसी को नहीं पता है CET है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे अब आप बैंक के अंदर दो एग्ज़ाम देते हैं, प्री और मेंस, लेकिन NRA CET के बाद आपको मेंस ही देना होगा। अगर आप NRA CET की जो कट ऑफ है, जो क्राइटेरिया होगा, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं और उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको सिर्फ मेंस ही देना होगा, और PO के लिए मेंस देना होगा, और इंटरव्यू और क्लर्क के लिए आपको सिर्फ मेंस पेपर देना होगा। यानी कि ये सब, यानी कि जो पहला पेपर है वो सब के लिए, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, SSC हुआ, इनके लिए जो फर्स्ट पेपर था, टीयर फर्स्ट था, उसके लिए आपके कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।